अभी तो यही था, अभी खो गया न जाने मेरे दिल को क्या हो गया। अभी तो यही था, अभी खो गया, हो गया है तुझको तो प्यार सजना, लाख कर ले तू इनकार सजना, दिलदार सजना सजना। और ऐसे इंसान को मैं कुछ दुआ देता हूँ कि भगवान अल्लाह ईश्वर जो भी उसको सलामत रखे। इसलिए तू क्या अगर ये बंदा रहा तो ये 10 जनों की हेल्प कर सकता है सर। इसके अंदर इतनी है मतलब प्रॉपर्ली, ये ऐसा नहीं कि अपने आप ही अपना पैसा रखे। ये बहुत अच्छा बंदा है सर, इसने 1.5 लाख पीपी किट माता गरीबों को खाना खिलाया है सर। इतनी हेल्प करा है, KKR की जो भी आधे से ज़्यादा कैंसर मरीजों को वो देता है सर, एसिड सिस्टम को मदद करता है सर। और पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा अवार्ड इसके पास है, कैरेटी सबसे ज़्यादा नंबर वन ये करता है। उल्टा इनफैक्ट इंडिया को तो सर प्राउड होना चाहिए कि इतना बड़ा पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा कोई चैरिटी करने वाला एक्टर है तो वो ये है और अक्षय कुमार है। दो ही जन है जो सबसे ज़्यादा करते हैं और वो दोनों इंडिया में है सर अपने। तो यही बात है सर, बस ऊपर वाले इसको सलामत रखे। भले से क्या हुआ ये साल नहीं तो अगले साल मना सकते हैं सर। सही बात। और रही बात इनकी सर, तो इनकी तो बस सपोर्ट तो करते ही है सर, इनकी फिल्में सॉन्ग इनकी हर चीज़ें वो सर KKR को सपोर्ट करते हैं। आप ये देख लीजिए ना सर, नहीं होना था लेकिन कल भगवान ने KKR को मैच तो दिखा दिया ना सर, यही हमारे लिए वो काफ़ी टॉप फोर में आ गए IPL में। हाँ, तो उनके कोई डायलॉग है आपको याद है? जाओ बोलिए कुछ डायलॉग है। कितना इतरा रहा है मुराद, हाल आपके कमल को छोड़कर कागज के फूल पर मंडरा रहा है। मत छुओ मुझे, नफरत करता हूँ मैं तुमसे। हाँ, आज के बाद मैं चौकट पर कभी नहीं आऊँगा, कभी नहीं। हाँ हाँ, जब भी पारो की याद आएगी मैं आऊँगा, जब भी खुद को दोषी पाऊँगा मैं आऊँगा। और कहाँ जाऊँगा, यही सजा मुकर रखी है हमने अपने आप के लिए। फिर माधुरी दीक्षित मैम बोलती हैं, क्यों देते अपने आप को ये सजा? क्योंकि हर रोज़ दिल में बैठती है इस दिल जज्बात की तरह, मैं मिलोट मिलोट हर रोज इस मोहब्बत के केस की सुनवाई होती है। आया आया ऑब्जेक्ट मास्टर वी रूल सन ऑफ नारायण मुखर्जी, आया आया ऑब्जेक्ट। ओके ओके। तो आप अमिताभ सर और राजेश खन्ना ये सब बड़े बड़े सुपरस्टार थे, तो सर आप अभी रहिए सर, क्योंकि आप भारत के वो कोहिनूर रत्न है सर जो हमारे पास है अभी भी सर सेफ, और आपकी वजह से इंडियन सिनेमा को जाना जाता है सर। नहीं किसको मालूम था कि दिल्ली का एक मामूली लड़का जो अपनी गर्लफ्रेंड को मुंबई ढूंढने आया था एक हफ्ते के लिए, आज इतने बड़े बंगले का मालिक बन जाएंगे सर। तो बस ये सब एक इंस्पिरेशन है सर हमारे लिए, और जितने भी मेरे दोस्त है और हम जैसे जितने भी लोकल है सर जिनको पढ़ाई पूरी होने के बाद जॉब नहीं मिलती, इन सबके लिए इंस्पिरेशन है सर, बस यही कहना चाहूँगा। मैं कोलकाता से आया हूँ। कोलकाता से आए जी, मतलब किसी के लिए स्पेशली? क्या शाहरुख खान के लिए। शाहरुख खान के लिए कोलकाता जी, और कल मैच भी जीते कोलकाता जी, कोलकाता में। तो कितने खुश हैं आप? बहुत खुशी है। क्या बात है, बहुत खुशी है। मेरा टीम, मेरे देश जीती, मेरे कोलकाता जीती, मेरे शाहरुख खान की टीम जीती, मैं बहुत खुश हूँ। ओके ओके, बहुत खुश हूँ। और क्या कहना चाहेंगे, आज शाहरुख खान का बर्थडे है और लॉकडाउन भी है, पूरा शांत है, मतलब ज़्यादा सन्नाटा है। लॉकडाउन तो बड़ी परेशान किया हुआ। आज शाहरुख खान को देखने का बहुत दिल था, मैं कोलकाता से आया था, मैं मेरी टिकट थी कल की, मैं कल मुंबई आया हूँ। ओके, मैं कोलकाता से आया हूँ, मैं शाहरुख खान को देखने के लिए आया था। ओके, आज शाहरुख खान नहीं है, दुबई में है, बहुत याद आ रहा है शाहरुख खान नजर में, आज नहीं है, बहुत मिस कर रहे हैं शाहरुख खान। हैप्पी बर्थडे। ओके, हैप्पी बर्थडे। बहुत बुरा लग रहा, अच्छा नहीं लग रहा है। शाहरुख खान के दरवाजे पे सुनसान है, नहीं तो 20 से 25 हज़ार पब्लिक रहती थी, मीडिया भी रहती थी, इस बार कोई नहीं है, सिर्फ पुलिस है, प्रशासन है, हमारे 4-5 लोग प्रशासन भी बोल रहे भाई भीड़ मत लगाओ, ये लॉकडाउन चल रही है, शाहरुख भाई आएंगे नहीं, आप लोग मिस करो, दिल से मिस करो, मन पे मिस करो। नहीं, हम लोग तो यही सोच के आए थे कि चलो सर मिलेंगे, और हम लोग वैसे भी तो दिल से उनको विश करेंगे, पर लॉकडाउन की वजह से कोई उनको विश वगैरह नहीं कर सकेंगे, और सर आ भी नहीं रहे हैं, और तो जैसे भी हो सके हम लोग दिल से दुआ करेंगे सर के लिए, और विश भी दिल से ही कर रहे हैं। ओके, तो बस यही उम्मीद। आप कहाँ से आए हो, मतलब कब से इंतजार कर रहे हो? नहीं, इधर काफ़ी मतलब 2 घंटे हो गए यहाँ से, और शांतापुर
सांताकुर्ज से आया हूँ। ओके ओके, यही उम्मीद था कि सर आज आएंगे, विश करेंगे। और लॉकडाउन की वजह से भाई विदाउट मास्क भी इधर अलाउड नहीं है, तो सब चीज का नियम करते हुए अपन ऐसे विश कर रहे हैं। आज शाहरुख खान जो बॉलीवुड के किंग खान के बर्थडे है, आप देख रहे हैं यहाँ पे कैसा माहौल है, थोड़ा बहुत तो सन्नाटा चल रहा है, तो क्या कहना चाहिए आज? यही कहना चाहूँगा, सबसे पहला तो शाहरुख जी को बहुत बहुत जन्मदिन की शुभकामनाएं। और जो लॉकडाउन की वजह से जो बर्थडे जो जो नहीं देख पा रहे हैं, बहुत बुरा लग रहा है उसके। और शाहरुख जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो क्या कहना चाहेंगे, आज बॉलीवुड के किंग खान का बर्थडे है और आप कितने बड़े, आप कहाँ से आए हो, आपने टी शर्ट भी पहना है, तो क्या कहना चाहिए? मैं तो जस्ट मतलब शाहरुख सर का बर्थडे है, सबको पता है, और जो अभी सिचुएशन है हमारे देश के और पूरे दुनिया में, उसके बारे में सबको पता है, और इसी हिसाब से हम रिएक्ट भी करेंगे इस बर्थडे को, अलग तरह से सेलिब्रेट करके, सारे सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके। शाहरुख सर के लोगों ने भी मना किया है और हम खुद भी जानते हैं कि सामने क्राउड इकट्ठा नहीं करना है और हम करेंगे भी नहीं, एक दो एक साथ होंगे, दूर दूर रहेंगे। और शाहरुख सर के बर्थडे पे इतना प्यार हम पिछले साल, उससे पिछले शुरू से करते आ रहे हैं, वो प्यार कम नहीं होगा, किसी भी वजह से कम नहीं होगा। प्यार दिल से है, दिल से रहेगा और हमेशा रहेगा। वो हमारे लिए इंस्पिरेशन है, हमारे लिए एक जीने का तरीका है। बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं उनसे हम, और प्यार हमेशा करते रहेंगे। वो जहाँ भी हैं अभी हमारी तरफ से, तो बहुत सारी विशेष, बहुत खुश रहें, दुनिया में हमेशा आगे बढ़ें, दुनिया के सबसे बड़े सुपरस्टार बने रहें। और हमारे लिए जितना प्यार वो करते हैं, इस साल जैसे भी वो दिखाएंगे हमारे लिए वो प्यार, हमारे लिए सब कुछ उनकी खुशी के लिए है। वो खुश हैं, हम खुश हैं, उनकी शान अगर ऊँची है तो हमारी शान ऊँची है। हम उनके फ़ैन हैं, आज हैं, कल थे और कल भी रहेंगे। ओके, आपने टी शर्ट जो पहना है, मतलब कहाँ से, मतलब स्पेशली क्या है ये चीज़ के बारे में? कुछ नहीं, जस्ट एक आज बर्थडे था, आज बर्थडे है हमारे लिए। और जिस तरह से हम प्यार दिखा सकते हैं इन अ वेरी कंट्रोल्ड वे, हम बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे, ना क्राउड इकट्ठा करेंगे, जस्ट एक मन्नत के सामने हर साल आते हैं, जस्ट एक बार देख के जाएंगे। अभी तो पुलिस भी अलाउ नहीं कर रही है और हम पूरा वो चीज़ एक्सेप्ट भी कर रहे हैं, हम कभी सामने नहीं जाएंगे, दूर से कहेंगे, दूर से प्यार है। शाहरुख सर ने कहा इस बार का प्यार थोड़ा दूर से यार, तो हम तो बहुत दूर से करेंगे, लेकिन प्यार की जो स्ट्रेंथ होगी वो कम नहीं होगी, प्यार उससे ज़्यादा ही है। आई लव यू शाहरुख सर, आई लव यू। शाहरुख खान जी का बर्थडे है, जो बॉलीवुड के किंग खान माने जाते हैं, तो आप शाहरुख खान की तस्वीर भी लेके आते हो, तो क्या कहना चाहेंगे? मैं उनको हैप्पी बर्थडे बोलना चाहता हूँ, और लेकिन मैं दुख हूँ क्या ये कोरोना की वजह से वो नहीं आ सके, लेकिन उनके वजह से, लेकिन मैं ये दिन देखना चाहता था कि शायद से वो आ सकें, लेकिन नहीं आ सकते अभी, क्योंकि ये बहुत टाइम बेकार चल रहा है। ओके, और बात करें आप कब से फैन हो, और ये पोस्टर है आपने कहाँ से लेके? मुझको 12 साल हो गए इनके फैन होते होते, जब मैं छोटा सा था, जब 6-7 साल का, जब मैंने उनकी फर्स्ट मूवी देखी थी रब ने बना दी जोड़ी, फिर ओम शांति ओम, उधर से ही मैं उनका फैन बनता चला गया, और आज मैं यहाँ हूँ। कर्नूल से आए हुए हैं। क्या बात, हम तीन लोग भाई के लिए आए हैं। तेलुगु? मैं मुस्लिम हूँ। ओके, मतलब तेलुगु जानते हैं ना? तेलुगु जानते हैं। भाई के लिए आए, इस कोरोना की वजह से भाई को नहीं मिल पाया। ओके, इंशाल्लाह अभी नेक्स्ट बार आएंगे, नेक्स्ट बार जरूर मिलेंगे। कर्नूल से आए हम। अक्षय कुमार के लक्ष्मी बॉम्ब देखेंगे कि नहीं? देखेंगे ना। तो आपने ट्रेलर तो देखा रहेगा, अक्षय कुमार फुल धमाका, फुल कॉमेडी है, हॉरर है, एकदम फाड़ू है, एकदम फाड़ू है। ओके, अगर मैं कहना चाहूँगा तो अभी ये साल के अंदर शायद अक्षय कुमार की फिल्म ही हिट होगी। ओके, क्योंकि जो एक्टर है, जो उसमें जो कलाकार है, वो एक नंबर है। ओके, तो हर बार बहुत सारे फैंस आते हैं, पब्लिक भी आते हैं, लेकिन इस बार थोड़ा माहौल बहुत ठंडा है, तो कितना बुरा लग रहा है? हाँ, बहुत खराब लग रहा है, क्योंकि पब्लिक नहीं है, तो बहुत अजीब सा लग रहा है कि क्यों नहीं है, इतने फैन है तो आना चाहिए, और उसको भी रहना चाहिए घर में, कि वो जानता है कि उसके इतने फैंस है, फिर भी वो नहीं आया, मेरे को बहुत बुरा लग रहा है। ओके, मैं आई हूँ और मेरे को था कि मैं देखूँ। ओके, आप कब से, मतलब कितने साल से फैन हो, और कब से, मतलब क्या कुछ? ओके, उनकी फेवरेट मूवी या कोई डायलॉग आपको जो याद है? DDLG। छोटी फाइनली, अगर शाहरुख खान जी आए तो क्या गिफ्ट देना चाहेंगे? शाहरुख को मैं
बस देख लूँ ना बस शाहरुख को गिफ्ट है उसका, उसके लिए गिफ्ट तो बहुत छोटी चीज़ है, गिफ्ट नहीं उसके फैंस इतने हैं वही उसके लिए गिफ्ट है, और क्या और उसके लिए क्या गिफ्ट होगा, उसके इतने फैंस है वही बहुत बड़ा गिफ्ट। हम उनके बहुत बड़ा फ्रेंड है, हम उनको आज गिफ्ट देना चाहते हैं, हम उनके बर्थडे करना चाहते हैं और हम उसके उनको मिलना चाहते हैं और हम गुजरात से आए हैं बड़ोड़ा से और हम उनकी टीम के बहुत बड़े फ्रेंड है KKR के और उनकी फिल्में भी बहुत देखते हैं और बहुत अच्छे लगते हैं। तो कब से आप शाहरुख खान के फैंस हो, कब से आप बने? बहुत लगभग 10 जब से हम उसको जानते हो जब से हम उसके फ्रेंड हुए। ओके तो आप हर साल आते हो? कभी कभी 2-3 साल में, 1-2 साल कभी भी हम आते हैं। कहाँ से आए? हम गुजरात से आए। गुजरात से आए मतलब स्पेशली शाहरुख खान के लिए। ओके ओके आप क्या कहना चाहेंगे, आप कहाँ से आए हो और कभी से आए हो बताओ थोड़ा। गुजरात से आया हूँ, हाउस से आया हूँ और मैं 2 दिन से मुंबई में रुका हुआ हूँ शाहरुख भाई का बर्थडे विश करने के लिए और रात को भी हमारी टीम KKR में सहायक रहने से हम KKR का मैं बहुत बड़ा फ्रेंड हूँ, शाहरुख भाई का बहुत फ्रेंड है और शाहरुख भाई के मैं बहुत गाने गाता हूँ और मैं शाहरुख भाई के गाने भी यहाँ पे मन्नत के बाहर अपने खड़े हुए मैं शाहरुख भाई के 1-2 गाने गाना चाहता हूँ शाहरुख भाई। ओके और आपको क्या लगता है, इससे पहले बहुत धमाका मचता था बर्थडे के दिन लेकिन अभी लॉकडाउन चल रहा है तो लॉकडाउन की वजह से पूरा सन्नाटा है, तो उसके बारे में क्या कहना? लॉकडाउन चल रहा है, अभी लॉकडाउन के हिसाब से पुलिस का भी प्रोटेक्शन लगा हुआ है, पुलिस वाले वहाँ खड़े नहीं रहने दे रहे उनको क्योंकि लॉकडाउन है और शाहरुख भाई भी यहाँ है नहीं अभी। मैंने उससे गाइड से पूछा तो बोलता अभी दुबई है, अभी क्रिकेट चल रहा है उनका, तो मैंने पूछा क्यों नहीं, मतलब क्रिकेट के हिसाब में सर की रात की टीम हो चुकी है, रम चुकी है तो सर लगभग आज आ सकते हैं। बर्थडे उनका जैसे 2 नवम्बर है, आज सर 55 साल के हो चुके हैं और किंग खान का मैंने मेरे सर पे मारका है, पूरा मैंने बहुत खर्चा किया शाहरुख भाई। तो ये क्या आपने जो गिफ्ट लेके आया है, ये मेडल है मतलब क्या है, कभी कैसे किधर? ये शाहरुख भाई को, ये देखो KKR 2020 जो शाहरुख खान किंग खान 55 साल के हुए तो मैं इनको गिफ्ट देना चाहता हूँ। ओके अगर शाहरुख जी आपको मिले तो क्या विश करना चाहेंगे आप? ये मैं दोनों चीज़ शाहरुख भाई को विश करना चाहूँगा, शाहरुख भाई मैं आपका बहुत ही बड़ा फैन हूँ और मैं गुजरात दाहोद से आया हूँ, 2 दिन से मुंबई में रुका हूँ आपकी तलाश के, शाहरुख भाई मैं बर्थडे पर विश करूँ दोनों चीज़। Okay. ऐसा था मैं शाहरुख भाई को मिल चुका हूँ बड़ोड़ा के अंदर जो दिल्ली से मुंबई रेस की शूटिंग करने जा रहे थे उस टाइम पे मैं मिल चुका हूँ, क्या बड़ोड़ा में भीड़ बहुत भड़ंका था, वहाँ कितने लोग घायल भी हो चुके थे और एक इंसान मर भी चुका था, तो उस टाइम पे मैं मौजूद था, मैंने बहुत करीब से देखा था शाहरुख भाई को। हाँ तो जैसे कि बात करें उनके बर्थडे के दिन बहुत सारा मतलब बहुत पब्लिक भी भीड़ हो जाती है, फैंस भी बहुत आते हैं लेकिन कितना निराशा रहेगा अभी ये बर्थडे के? देखो ये बर्थडे के दिन तो ज़्यादा पब्लिक नहीं आएगी क्योंकि कोरोना का वार्निंग हो रहा है ना, ये पब्लिक नहीं आएगी ज़्यादा, मगर मेरे को ऐसा लग रहा है एक्चुअली कि ये मन्नत के बाहर खड़ी रहेंगी पब्लिक क्योंकि पुलिस वालों किसी को खड़ा नहीं रहने देगा। ओके के बर्थडे में पहली बार ऐसा पूरा सन्नाटा नजर है तो क्या कहना चाहिए इसके बारे में? क्या मुझे अभी कुछ बता नहीं सकता हूँ इसके बारे में कि वर्ल्ड बिगेस्ट मूवी स्टार दुनिया के नंबर 1 एक्टर का बर्थडे और ऐसा लॉकडाउन के टाइम पे, नहीं सॉरी लॉकडाउन तो भूल गया लेकिन ऐसा सन्नाटा फाइव है कि कुछ कह नहीं सकते सर। नहीं तो रोज टॉम क्रूज को देखे, माइकल जैक्सन को देखे तो इतना मतलब बर्थडे सेलिब्रेट होता है, वो वर्ल्ड के नंबर 1 एक्टर देखा जाए तो इंडिया को रिप्रेजेंट करते जो इंडिया के नंबर 1 एक्टर, वर्ल्ड के नंबर 1 एक्टर जो अपने मेहनत से आगे बढ़े उनका आज बर्थडे ऐसा है तो बिलीवर नहीं होता कि सर इतने सालों में आज पहली बार देख रहा हूँ कि कोई है नहीं इनके बर्थडे में सर। सही बात है, तो अच्छा नहीं लग रहा है कि आज इतना मतलब सन्नाटा है लेकिन इस तरह से देखा जाए तो सर ये देश के लिए भी और हम सब के लिए भी बहुत ज़रूरी चीज़ है कि सेलिब्रेशन इतना अच्छा होता था इनफैक्ट और इतना अच्छा लगता था, एक हिजूम एक मेले की तरह होता था, एक फेस्टिवल बनता था इंडिया का और देखा जाए तो ये साल थोड़ा अजीब लग रहा है इसलिए दिल थोड़ा वैसा हो रहा है लेकिन इससे फैंस की मोहब्बत कम नहीं होती और बढ़ती है चूजी से लोग और उनको सपोर्ट करते और उनके लिए रिस्पेक्ट बढ़ गई कि ये बंदे ने अपना बर्थडे नहीं मंगाया लेकिन लोगों को बोला है कि आप अपने अपने घरों पे रहे, सेफ्टी पहले है बर्थडे बाद में नहीं, तो बजाकर अगर सुपर स्टार को बोलते हैं कि आप मेरी जय जयकार करो बाद में सब करो लेकिन ये बंदा ऐसा है जो कहता है कि मैं अपने फैन के बदौलत नहीं आ सकता, ना कि लोगों के बलों पर अपने पैसे के बदौलत, तो ये बंदा एक ऐसा बंदा है कि हाँ लगता है कि हाँ ये बंदा सही है जो अपने देश की मदद करता है, लोगों की मदद करता है, हर एक की मदद करता है और ये ना रिलीजन का फर्क देता है ना भेदभाव का ना कंट्री का फर्क करते हैं, तो वही आया था मैं इधर वर्ल्ड के नंबर 1 एक्टर और वर्ल्ड विजन मूवी स्टार शाहरुख खान के बंगले पे देखने क्या हो रहा है क्या नहीं और देखा उनको पूरा खाली पड़ा है, पूरा खाली पड़ा है, पुलिस लोग भी जाने नहीं क्या करे सर आज, अभी आप यही देख लो यूट्यूब पे या इंस्टाग्राम पे US कनाडा हर तरफ से फैन यही कह रहे हैं कि आज नंबर 1 एक्टर वर्ल्ड के नंबर 1 एक्टर का बर्थडे और कोई सेलिब्रेशन नहीं हो रहा सर, तो यही बात है, बहुत के जन सैड है, बहुत के जन घर में अपनी खुशी बना रहे सर।